एवरीवन, आप लोगों की बहुत दिनों से एक डिमांड आ रही है कि एमबीपीएससी का जो सिलेबस बदल चुका है उसके अकॉर्डिंग हम कौन सी बुक प्रेफर करें, कौन सी बुक पढ़े ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले आप लोग अपने मन से ये गलत फहमी हटा दीजिए कि सिलेबस चेंज हुआ ये हमें पता है, लेकिन सिलेबस चेंज हुआ है जो उनमें क्या सारे विषय चेंज हो गए हैं या पेपर वन की जगह जो पेपर वन में जो पहले विषय आते थे, सब्जेक्ट आते थे, क्या आप दूसरे आएंगे? तो सबसे पहले तो ये गलत फहमी हटाइए कि सिलेबस चेंज हुआ है तो मतलब सब कुछ चेंज हो गया और आपका जो पुराना पढ़ा हुआ है वो अब आपके काम नहीं आएगा। बेटा, इतिहास वही रहेगा, है ना, हिस्ट्री तो वही रहेगी, भूगोल वही रहेगा, राजव्यवस्था पॉलिटी वही रहेगी, ऐसा खास कुछ भी चेंज नहीं हुआ है आपके सिलेबस में। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि कुछ टॉपिक नए ऐड कर दिए गए हैं, जैसे सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन के कुछ टॉपिक नए ऐड कर दिए गए हैं और कुछ जो टॉपिक थे पहले ऑलरेडी उसे बाहर कर दिया गया है सिलेबस से। इतना चेंज हुआ है। और एक चेंज और हुआ है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे पहले इकोनॉमी थर्ड पेपर में था, अब आपको सेकेंड पेपर में पढ़ना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का पोर्शन थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है, साथ में प्रारूप लेखन पहले आपको फिफ्थ पेपर यानी कि हिंदी में पूछा जाता था, लेकिन अब सिक्स्थ पेपर एसे के साथ आएगा। बस इतने चेंज हुए हैं, एज सच कोई भी खास चेंज नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो आप ये समझ जाओ कि आपका जो पुराना पढ़ा हुआ है वही काम आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आज ये पूरा वीडियो है। जो लोग बिगनर है, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन बदले हुए सिलेबस, नए सिलेबस के अनुसार ही आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो क्या किताबें, कौन कौन सी किताबें आपको परचेस करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपको परचेस करनी चाहिए यदि आप कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, कोई ऑनलाइन संस्थान ज्वाइन नहीं कर सकते, तो किन किन किताबों के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन पूरी हो सकेगी। और अगर आपने कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है, कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन संस्थान आपने ज्वाइन कर रखा है, लेकिन आप चूंकि एक एस्पिरेंट हो तो आपके पास ऑथेंटिक बुक्स तो होनी जरूरी ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर मैंने सिलेबस को नहीं दिखाया है कि कौन से सिलेबस में कौन सा, मतलब सिलेबस के किस पेपर में कौन सा पोर्शन है कहां से। मैंने रैंडमली आपके सामने यहां पर सब्जेक्ट्स रख दिए हैं और सब्जेक्ट्स के अनुसार मैं आपको बुक्स बताती जाऊंगी, आप नोट करते जाना, है ना। और देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पर अगर इतिहास की किताब बताऊंगी तो आपका ये काम है कि आपको ये पता होना चाहिए कि, मतलब कह सकते हैं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इतिहास आपके प्री में या मेंस में किस पोर्शन में है और कहां पर स्थित है। और सबसे बड़ी बात, आपको जो मैं ये बुक्स बताने वाली हूं वो मैं केवल प्री या केवल मेंस के लिए नहीं बता रही हूं, प्री और मेंस दोनों साथ में बता रही हूं, क्योंकि प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती। अब तो जो नया सिलेबस आ गया है उसके अकॉर्डिंग तो आपको बिल्कुल भी अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप मेंस पढ़ो, प्री ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। कुछ चीजें प्री में अलग से पढ़नी है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आपको अलग से देखनी पड़ेंगी। तो शुरू करें, तो अगर हम मेंस खोलेंगे, सबसे पहले आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको क्या रखना पड़ेगा, अपने साथ सिलेबस रखना पड़ेगा। सॉफ्ट कॉपी में नहीं, हार्ड कॉपी में रखना सिलेबस। जब भी पढ़ने बैठो सिलेबस को जरूर देखो, जब तक सिलेबस आपको याद नहीं होगा तब तक आप विषयों का अध्ययन कैसे कर पाओगे। आपको यही नहीं पता होगा कि पॉलिटी किस पेपर में है, टेक्नोलॉजी या एनवायरमेंट किस पेपर में है, तो फिर आपको वहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। तो चलिए पेपर वन से स्टार्ट करते हैं। पेपर वन में आपको देखने को मिलेगा इतिहास और भूगोल, इतिहास और भूगोल आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। बाकी अगर बात करें एमपी जीके की तो एमपीपीएससी है, एमपीपीएससी का एमपी जीके फेवरेट सब्जेक्ट है, तो फिर चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, है ना, फिर आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन हो या पॉलिटी वाला पोर्शन हो, एमपी जीके तो हर पोर्शन में आना ही आना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एमपी जीके के लिए आप कौन सी बुक पढ़ें। एमपी जीके जहां से प्रीलिम्स में भी खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में तो आपको लिखने के लिए वहां पर क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए कौन सी बुक पढ़ सकते हो। तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की वैसे तो बहुत सारी बुक्स आती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि कम से कम दो बुक आप अपने पास जरूर रखना, दो बुक आप अपने पास जरूर रखना। एक बुक आती है उपकार की, एक बुक आती है उपकार की। उपकार में क्या है, इसमें आपको मेंस के अकॉर्डिंग बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा आप ले सकते हो मुकेश माहेश्वरी जी की बुक आती है, मुकेश माहेश्वरी जी की बुक आप ले सकते हो, काफी अच्छी किताब है। और फिर अगर आपको लग रहा है कि और लेनी चाहिए, फिर इसके अलावा भी अगर मैं कोई बुक बताऊं तो फिर आप वहां पर हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक भी ले सकते हो। बाकी और भी बहुत सारी किताबें आती हैं,
हिंदी ग्रंथ अकादमी, और भी बहुत सारी किताबें आती हैं, सारी किताबें अच्छी हैं, लेकिन आपको प्री और मेंस दोनों के हिसाब से अगर लेकर चलना है तो ये तीनों किताबें मेरे हिसाब से अच्छी है। और मैं दूसरे किताबों की बुराई नहीं कर रही हूँ, कतई बुराई नहीं कर रही हूँ, सारी किताबें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनमें से आप मेंस के लिए, अगर मेंस और प्री दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप इन किताबों में से कोई भी दो परचेस कर सकते हो। उपकार भी अच्छी है, एक अरिहंत आती है वो भी अच्छी है, पुणेकर आती है, पुणेकर आपका प्री के लिए बहुत अच्छी है, महेश्वरी बहुत अच्छी है, प्री मेंस दोनों के लिए अच्छी है। हिंदी ग्रंथ अकादमी मुख्य रूप से आपके मेंस के लिए अच्छी है, मेंस की तैयारी करोगे प्री की अपने आप तैयारी हो जाएगी, लेकिन हाँ एमपीपीएससी में आपको फैक्चुअल चीज़ें जो हैं एमपीजी के की, उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा प्री के लिए। तो यह हो गई आपकी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की बुक कि आप कौन सी पढ़ सकते हो या कौन सी आप परचेस कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं अलग से नहीं बताऊंगी कि जैसे आप मेंस में आपको मिलेगा कि मध्य प्रदेश भूगोल के लिए, आप अगर पूछोगे मैम मध्य प्रदेश भूगोल का तो बताया ही नहीं, मध्य प्रदेश इतिहास संस्कृति का तो बताया ही नहीं, आप इन किताबों से मध्य प्रदेश का हर पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो, चाहे फिर वो राज्य की राज्य व्यवस्था हो, चाहे राज्य की अर्थव्यवस्था हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन हो, पर्यटन हो, कुछ भी हो, है ना, मेंस प्री सारे टॉपिक आपके इनसे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हो गया मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। फिर आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमने सब्जेक्ट रखा है वो रखा है इतिहास का, जो आपके प्री में भी आएगा और आपके मेंस में भी आएगा। मेंस में पहले वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास भी आता था, लेकिन अभी वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन हटा दिया गया है और पूरी तरह से भारतीय इतिहास और मध्य प्रदेश के इतिहास पर डिपेंड कर दिया गया है पेपर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट को। तो जो आपका इतिहास है, इतिहास आप लोग हमेशा तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हो, हिस्ट्री को हमेशा आप लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हो, प्राचीन इतिहास, मध्यकाल इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों के लिए कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए। तो अगर आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो तो मैं तो कहूंगी कि आप एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी में लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है ना, जैसे अगर आप कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ रहे हो, कोई ऐसा वर्ड आ जाए कि आपको समझ नहीं आता तो क्या करोगे फिर, तो इससे अच्छा है कि अगर पहली बार पढ़ने जा रहे हो तो एनसीईआरटी पढ़ना। और एनसीईआरटी जो है इतिहास के लिए, जो एनसीईआरटी पढ़ना है वो आपको सिक्स्थ से लेकर ट्वेल्थ तक की पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिक्स्थ से लेकर ट्वेल्थ तक में आपको कुछ ऐसा भी पोर्शन मिलेगा इलेवेंथ में, नाइन्थ में, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री दी हुई है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आप मत पढ़ना, वर्ल्ड हिस्ट्री आप स्किप कर देना, बाकी आपको जितना भी भारतीय इतिहास मिलेगा आप सब कुछ पढ़ लेना, बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। फिर अगर आपको कोई ऑथेंटिक बुक्स लेने का लगता है कि नहीं हमारे पास ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, एक बार हम उसे भी पढ़ ले, तो आप तीनों पोर्शन के लिए अलग अलग किताबें ले सकते हो। जैसे अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करेंगे, अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो प्राचीन इतिहास के लिए आप एक किताब ले सकते हो, काफी अच्छी किताब है, आर एस शर्मा। प्राचीन इतिहास के लिए आप आर एस शर्मा ले सकते हो, नोट कर लीजिए, प्राचीन इतिहास के लिए आप आर एस शर्मा ले सकते हो। फिर अगर हम मध्यकालीन में आएंगे तो मध्यकालीन इतिहास के लिए आप सतीश चंद्रा की बुक ले सकते हो, सतीश चंद्रा की किताब ले सकते हो। अगर नहीं लेना तो फिर एनसीईआरटी तो है ही आपके पास। तो प्राचीन इतिहास के लिए आर एस शर्मा की बुक काफी अच्छी है, मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्रा की बुक काफी अच्छी है। फिर अगर आप आधुनिक में आओगे तो आधुनिक में आपको दो किताबें हर कोई रिकमेंड करता है और वास्तव में काफी अच्छी किताबें हैं, स्टोरी के फॉर्म में दिया हुआ है, बस आप पढ़ते जाओ, आपका आधुनिक इतिहास तैयार हो जाएगा। उनमें से एक है विपिन चंद्रा, विपिन चंद्रा, और दूसरी है स्पेक्ट्रम। कोई भी किताब इन दोनों में से आप ले सकते हो, विपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम, दोनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं, बहुत आसानी से आधुनिक भारतीय इतिहास आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया इतिहास का पोर्शन। इतिहास में मैंने बताया या तो आप सिक्स्थ से लेकर ट्वेल्थ तक की एनसीईआरटी लेना, उसमें से जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन होगा नाइन्थ में भी हो सकता है, इलेवंथ में भी हो सकता है, उसे स्किप कर देना। लेकिन अगर आपको उसके अलावा कोई ऑथेंटिक बुक्स चाहिए तो प्राचीन इतिहास के लिए आप आर एस शर्मा ले सकते हो, मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्रा ले सकते हो, आधुनिक के लिए विपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम में से कोई भी किताब आप अपने पास रख सकते हो। तो यह हो गई इतिहास की बात। अब हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की, और ध्यान रहे अगर आप पढ़ लेते हो तीनों पोर्शन, किसी भी किताब से पढ़ते हो, एनसीईआरटी से पढ़ते हो, किसी से भी,
आपका ये पोर्शन जो है प्री के लिए भी मेंस के लिए भी दोनों के लिए तैयार हो जाएगा। और साथ में आपको क्या करना है, हाँ इतिहास में ही आएंगे, साथ में आपको क्या करना है, जब आपने ये पढ़ लिया तो जब आपको प्री एग्जाम आया, प्री एग्जाम के टाइम पर आपने देख ली लूसेंट, क्योंकि ऑलरेडी आपने ब्रीफ में पढ़ रखा है, लूसेंट से आप एक बार रिवीजन कर लोगे, आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और प्री में लूसेंट का काफी ज्यादा रोल होता है, तो आपको ये किताबें और प्लस लूसेंट को अपने साथ रखना है। आप कोई भी जीएस का पोर्शन पढ़ोगे, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या फिर साइंस हो, आपको लूसेंट अपने पास जरूर रखनी है, लूसेंट सामान्य ज्ञान की जो किताब आती है। फिर हम आते हैं ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी भी आपके प्री और मेंस दोनों के लिए बताऊंगी। तो ज्योग्राफी में हम दो पार्ट पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व का भूगोल, और दूसरा पढ़ते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल। तो विश्व के भूगोल के लिए आप एक किताब ले सकते हो, महेश वर्णवाल, काफी अच्छी किताब है। अगर आपको मतलब कोई ऑप्शन में एक और किताब चाहिए तो एक और किताब काफी अच्छी है, माजिद हुसैन की ज्योग्राफी की किताब भी काफी अच्छी है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप महेश वर्णवाल भी ले सकते हो और माजिद हुसैन भी ले सकते हो। तो इस तरह से आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। आते हैं इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल में, तो इंडियन ज्योग्राफी अगर आप महेश वर्णवाल खरीद लेते हो तो महेश वर्णवाल में भी आपको इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन मिल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो महेश वर्णवाल है मेंस के लिए, अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे तो प्री और मेंस दोनों हो जाएगा, लेकिन अगर हम सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के लिए देखेंगे तो महेश वर्णवाल में जो इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन है वो आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम प्री के लिए बात करेंगे तो प्री के लिए आप ले सकते हो परीक्षावाणी ले सकते हो, अच्छी किताब है ना। और उसके अलावा आप ले सकते हो एक अरविंद कुमार जी की आती है पेरियार, ये भी काफी अच्छी किताब है, अरविंद कुमार जी की आती है पेरियार, शायद आपको शो नहीं हो रहा हो, चलो दिख रहा है, तो अरविंद कुमार जी की आती है एक पेरियार, आप मांग लोगे बुक स्टोर में जाके बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। तो परीक्षा वाणी भी अच्छी है, पेरियार भी अच्छी है, दोनों में से कोई भी बुक आप ले सकते हैं। बाकी अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल लेते हो तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपके पास वैसे भी दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, महेश वर्णवाल में आपको मिल जाएगा इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन, और बाकी आप इन दोनों में से अगर कोई एक बुक ले लेते हो तो दो ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी हो जाएंगे। तो कोई भी पढ़ सकते हैं, जो चार मैंने किताबें लिखी है बहुत अच्छी किताबें हैं, प्री और मेंस आपका दोनों कंप्लीट हो जाएगा। अलग से नहीं कि फिर हम प्री के लिए क्या पढ़ेंगे, फिर हम मेंस के लिए क्या पढ़ेंगे, टॉपिक क्लियर कीजिए, डाउट क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ऑटोमेटिकली प्री मेंस दोनों रेडी हो जाएगा। बाकी इसके अलावा जब आपका प्री एग्जाम आए तो आप लूसेंट देख लो, ये सारा पोर्शन तैयार है तो लूसेंट पढ़ने में बिल्कुल समय आपको नहीं लगेगा। तो ये हो गए आपके तीन पोर्शन कंप्लीट, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री, इतिहास और भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। भूगोल में मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल या फिर माजिद हुसैन कोई भी किताब ले सकते हो, भारतीय भूगोल के लिए परीक्षा वाणी या फिर पेरियार कोई भी किताब आप ले सकते हो। तो ये हो गया आपका तीन पोर्शन। तो ये है हमारा अगला पोर्शन, है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी के बाद अगला जो हमारा पोर्शन आता है वो है राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। और पॉलिटी के लिए हर कोई एक ही किताब रिकमेंड करता है और वास्तव में काफी अच्छी किताब है जिसका नाम है एम लक्ष्मीकांत। अगर आपने ये पढ़ लिया तो इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने वीडियो क्लिक किया होगा जब देखने के लिए तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कोई शॉर्टकट बताने वाली हूँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कोई भी आपको शॉर्टकट का या पढ़ने का शॉर्टकट तरीका आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। तो एम लक्ष्मीकांत राज व्यवस्था के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने आपको जो ज्योग्राफी की बुक बताई थी, ज्योग्राफी में भी एनसीईआरटी ले सकते हो, 6th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी आप वहां पर ले सकते हो, 12th का 11th, है ना। तो ये हो गई राज व्यवस्था, बस एक ही किताब, जो भी लेटेस्ट वर्जन आया हो, लेटेस्ट एडिशन हो, उसे परचेस कर लीजिए, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा प्री मेंस दोनों के हिसाब से। और प्लस अगर आपका एग्जाम आने वाला हो तो आपको लूसेंट रखना है। आप लोगों को पता होगा ना कि लूसेंट में हर पोर्शन अवेलेबल है, हिस्ट्री है, फिर ज्योग्राफी है ना, फिर ऐसे पॉलिटी है शायद, है ना, फिर इकोनॉमी है, सारे पोर्शन अवेलेबल है, आप आसानी से ले सकते हो। तो
राज्य व्यवस्था पॉलिटी इस तरह से आपकी एम लक्ष्मीकांत से हो जाएगी कंप्लीट। अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी में, और हमेशा स्टूडेंट्स जब भी तैयारी करते हैं तो जनरली एम लक्ष्मीकांत हो, महेश वर्णवाल हो, हिस्ट्री की विपिन चंद्रा या और कोई किताब हो, उन्हें पता होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जहां पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो है अर्थव्यवस्था का पोर्शन, इकोनॉमी का पोर्शन। वहां पर ये कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी किताब ले, और वास्तव में टॉपिक कुछ और दिया होता है जो जनरली हमें किताबों में नहीं मिलता है। तो देखिए अर्थव्यवस्था को जैसे अगर हम एमबीपीएससी मेंस की बात करें तो किसी एक सोर्स से आपकी इकोनॉमी वाला पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा, आपको बहुत सारे सोर्स का यूज करके मिला जुला कर आपको वो पोर्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इकोनॉमी में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यदि हम बेस की बात करें कि इकोनॉमी का बेस आप कैसे अपना तैयार करोगे, तो जब भी आप इकोनॉमी की किताब की बात करोगे तो एक किताब आती है जिसका नाम है रमेश सिंह, ठीक है, रमेश सिंह करके एक किताब आती है, आप मांग लोगे आसानी से मिल जाएगी। लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि यदि कोई बच्चा, यदि कोई स्टूडेंट पहली बार इकोनॉमी पढ़ता है तो रमेश सिंह से थोड़ा उन्हें कम समझ में आता है ना। रमेश सिंह अच्छी बुक है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि खराब बुक है, कैसी बुक है, बहुत अच्छी बुक है रमेश सिंह। लेकिन यदि आप पहली बार इकोनॉमी पढ़ रहे हो या जल्दी आपको इकोनॉमी समझ में नहीं आती तो हो सकता है रमेश सिंह आपको समझ में ना आए या फिर अच्छी ना लगे, है ना। तो रमेश सिंह के अलावा मैं अगर रिकमेंड करूं कि आप कौन सी किताब ले सकते हो, तो रमेश सिंह के अलावा इकोनॉमी की एक आती है संजीव वर्मा जी की बुक। तो रमेश सिंह के जगह पर मुझे संजीव वर्मा ज्यादा बेस्ट लगी, रमेश सिंह बुक बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको इकोनॉमी जल्दी समझ में नहीं आती जनरली, तो फिर आपको संजीव वर्मा लेनी चाहिए। तो दो किताबें हैं, आप कोई भी ले सकते हो। लेकिन अगर एमपीपीएससी की बात करेंगे तो बेस आपका यहां से तैयार होगा, लेकिन जो और भी अलग अलग टॉपिक है वो आपको गूगल या किसी नोट्स के जरिए आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो देख लेना एक बार, मैच कर लेना कि किताबों में कौन कौन से टॉपिक मिल रहे हैं, हो सकता है सारे मिल जाए। एमपी के तो नहीं मिलेंगे, एमपी की मैंने आपको बुक बता दी, वहीं से आपको ढूंढना पड़ेगा। और कौन से टॉपिक नहीं है तो आप उसे एक नोट्स बना लेना गूगल करके या यूट्यूब पर, बहुत सारे ऑडियो वीडियो अब तो आ जाते हैं तो बहुत सरलता हो गई है। तो रमेश सिंह, संजीव वर्मा, मेरे हिसाब से आपको संजीव वर्मा की किताब लेनी चाहिए। तो ये हो गया कंप्लीट आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन। फिर जब आप आओगे फोर्थ पेपर में मेंस के, तो आपको वहां पर नीति शास्त्र एथिक्स देखने को मिलेगा। एथिक्स बहुत अच्छा पेपर है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर इंटरेस्ट जगाया जाए तो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी स्कोरिंग है इसमें। आपके टॉपिक जो भी दिए हुए हैं वो तो है ही, साथ में यहाँ पर कुछ विचारक, कुछ दार्शनिकों के भी टॉपिक दिए गए हैं। तो अगर हम इसके बुक की बात करें, और यहाँ पर भी कुछ चेंज देखने को मिले हैं, बहुत नहीं, केवल जो दार्शनिक है कुछ दार्शनिक को उठाकर सेकेंड पेपर में रख दिया गया है, और फोर्थ पेपर में कुछ अलग से दार्शनिक इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो अगर मैं आपको नीति शास्त्र की बुक बताऊं पूरा एमपीपीएससी फोर्थ पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो एक किताब आती है महावीर, ये भी आपको किसी एक किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। एक किताब आती है महावीर पब्लिकेशन की, आप जाओगे बुक स्टोर में अगर एमपी में कहीं, तो आपको आसानी से वो फोर्थ पेपर की किताब दे देगा। वहां पर आपको सारे जो थिंकर्स है, दार्शनिक है, विचारक है, वहां पर आपको सारे एक साथ मिल जाएंगे उसी किताब में, पूरा यूनिट के हिसाब से 5-6 यूनिट जितने भी है, है ना। महावीर के अलावा आपको कौन सी किताब रखनी चाहिए, है ना, महावीर के अलावा भी, महावीर तो रख ही लेना, महावीर के अलावा एक किताब आती है लेक्सिकन। लेक्सिकन ये भी काफी, हालांकि ये यूपीएससी के हिसाब से है, बट काफी अच्छी किताब है। तो जो टॉपिक आपको लेक्सिकन में मिल जाएंगे, सिलेबस के जो भी टॉपिक आपको लेक्सिकन में मिलेंगे तो आप लेक्सिकन से तैयार कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है लेक्सिकन। बाकी महावीर तो है ही, थिंकर्स जो है, विचारक जो है, वो आपको महावीर में भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको अलग से भी चाहिए कि थिंकर्स की आपके पास पूरी एक किताब होनी चाहिए, तो निर्माण आईएएस ने बहुत अच्छा एक किताब निकाली है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने थिंकर्स जो दार्शनिक हैं, जो विचारक हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में बताया गया है। तो आप चाहे तो निर्माण आईएएस की भी उस किताब को ले सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से दिया गया है। तो ये मैंने आपको तीन किताबें बताई हैं जिनमें से महावीर या लेक्सिकन तो आपको लेनी ही लेनी है, बाकी निर्माण आईएएस की किताब आपके ऊपर है कि आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। दार्शनिकों का बहुत अच्छा वहां पर कॉम्बिनेशन किया गया है।
ये हो गया आपका नीति शास्त्र फोर्थ पेपर खत्म। और हाँ, महावीर में ही आपको लास्ट में केस स्टडी जो फोर्थ पेपर में आती है, केस स्टडी महावीर में आपको वहां पर मिल जाएगी। बाकी ये देखिए खुद की मौलिकता होती है, आप किस तरह से समझते हो चीजों को। जैसे अगर मैं निबंध बोलूं और आप मेरे से पूछो कि निबंध के लिए कौन सी किताब पढ़े, तो निबंध या फिर ऐसी किसी भी चीज के लिए आप किताब पढ़ो ऐसा तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी। हाँ, कैसे लिखते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं और एक उदाहरण के लिए आप कोई भी किताब या कोई भी सोर्स ले सकते हो, उसी तरह से केस स्टडी भी होता है। आपको सीखना पड़ेगा, एथिक्स सीख जाओगे तो केस स्टडी सॉल्व करना आपको आने लगेगा। फिर उसके बाद आते हैं हम साइंस में। हम कहाँ आएंगे? विज्ञान में। विज्ञान आपका दिया हुआ है प्री में भी खूब सारा और मेंस में भी खूब सारा दिया हुआ है। विज्ञान को पढ़ लेना मतलब कि बहुत अच्छा स्कोर कर पाना, क्योंकि थर्ड पेपर अब फुल टू फुल मेंस का जो थर्ड पेपर है वो पूरा का पूरा अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ही डिपेंड है। तो विज्ञान के लिए जो साइंस का पोर्शन है, तीन पोर्शन, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसके लिए आप या तो ले सकते हो दृष्टि आईएएस की किताब आती है, काफी अच्छी है दृष्टि आईएएस की, या तो फिर आप एनसीईआरटी से भी साइंस का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो। बाकी टेंथ तक तो हर कोई साइंस पढ़ता ही है, टेंथ के बाद फिर सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, तो टेंथ तक जो पढ़ते हो आप बस वही चीजें आती हैं, तो आप साइंस कहीं से भी पढ़ सकते हो। आप जब टॉपिक देखोगे तो आपको वैसे भी दिमाग में चढ़ने लगेगा कि हमने कहाँ पढ़ा था, कहाँ से हम पढ़ सकते हैं, कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा साइंस की एक लूसेंट आती है अलग से, जो आती है, है ना, ब्लू वाली नहीं, ब्लू कलर की जो आती है उसमें भी होता है साइंस, बट शॉर्टकट तरीके से होता है। लेकिन एक साइंस की जो अलग से लूसेंट आती है ग्रीन कलर की, आप उसे भी परचेस कर सकते हो, उससे भी ठीक ठाक तैयार हो जाता है, प्री भी हो जाता है, मेंस भी हो जाता है। तो या तो दृष्टि ले सकते हो दृष्टि की किताब, या तो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, या तो फिर आप लूसेंट से भी इस पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हो गया कंप्लीट आपका साइंस का पोर्शन। साइंस के बाद अब बारी आती है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए तो हमेशा मैं एक ही बुक रिकमेंड करती हूँ, काफी अच्छी है, परीक्षा मंथन काफी अच्छी किताब है। फिर चाहे आपका मेंस का पोर्शन हो, चाहे आपका प्री का पोर्शन हो, दोनों पोर्शन बहुत अच्छे से परीक्षा मंथन से कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये हो गए हमारे दो पोर्शन कंप्लीट, जिसमें हमने एमपीजी के इतिहास, भूगोल, पॉलिटी यानी राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, नीति शास्त्र, विज्ञान, कंप्यूटर की बात करी। अब देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, ये आपका काम है देखना कि कौन सा पोर्शन किस पेपर में है, क्योंकि आप अपने सामने सिलेबस रखोगे और देखोगे कि किस पोर्शन मतलब किस पेपर में कौन सा पोर्शन है और किस पोर्शन के लिए हम कौन सी बुक यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया, अब आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला जो सब्जेक्ट आता है आपके प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, उसका नाम है पर्यावरण, एनवायरनमेंट। पर्यावरण को हम कहां से कंप्लीट कर सकते हैं, तो पर्यावरण के लिए थर्ड पेपर में, मेंस में थर्ड पेपर में पर्यावरण है, तो पर्यावरण के लिए एक किताब आती है परीक्षा मंथन, इसे भी कर सकते हो, इससे भी ले सकते हो, या फिर आप दृष्टि आईएएस की भी किताब ले सकते हो, इसे भी सारे पोर्शन कंप्लीट हो जाते हैं, या फिर आपको किसी कोचिंग के नोट्स मिल जाएं, है ना, तो वहां से भी आप अपना ये पोर्शन पर्यावरण का कंप्लीट कर सकते हो। तो पर्यावरण थर्ड पेपर में है, इसमें एनर्जी भी आ जाएगा, आपको सब पढ़ने को मिल जाएगा, तो या तो आप परीक्षा मंथन ले सकते हो, या तो फिर आप दृष्टि आईएएस की किताब ले सकते हो, या तो फिर आपके पास किसी भी कोचिंग के नोट्स हो अगर, तो भी आप इस पोर्शन को आसानी से कवर कर सकते हो। तो ये हो गया पर्यावरण। फिर आते हैं, ये जरूर अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि प्री और मेंस दोनों की बात हो रही है, सिर्फ प्री की बात नहीं हो रही है यहां पर। फिर आते हैं हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब थर्ड पेपर मेंस का पूरा आपका टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, टेक्नोलॉजी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, और केवल मेंस नहीं बल्कि प्री में भी अब टेक्नोलॉजी भर भर के दिया हुआ है। तो एक तो कंप्यूटर कर लेना परीक्षा मंथन से, प्री और मेंस दोनों कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर हम अलग से टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो आप ले सकते हो दृष्टि आईएएस की किताब, टेक्नोलॉजी की, दृष्टि आईएएस की टेक्नोलॉजी बेस्ट है,
मेंस का लगभग सारा एरिया कवर हो जाता है उससे, और प्री का भी कुछ कुछ एरिया कवर हो जाता है, कुछ चीजें बचती है तो आप अलग से किसी नोट से या गूगल से, आप देखो इतने बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी, इसे ही कहते हैं मेहनत। अगर बना बनाया सब कुछ हमारे पास मिल जाए तो खाने में कितना कम समय लगेगा, लेकिन पहले आप बनाओ और फिर खाओ तो फिर आपको मेहनत समझ में आएगी, तो फिर आपको स्वाद आएगा खाने का, नहीं तो फिर आप स्वाद क्या जानोगे। तो दृष्टि आईएएस की टेक्नोलॉजी की किताब आती है, काफी अच्छी किताब है, और मोस्टली पोर्शन टेक्नोलॉजी के यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। फिर अगर आपको दृष्टि आईएएस के अलावा भी कोई आपको ऑप्शन में चाहिए कि होनी चाहिए, तो एक किताब और बहुत अच्छी है, रवि अग्रहरी की। रवि अग्रहरी की भी किताब काफी अच्छी है टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो नोट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के लिए, या तो दृष्टि आईएएस ले लो या तो फिर आप रवि अग्रहरी की किताब यहाँ पर ले सकते हो। तो ये हो गया आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पोर्शन, रवि अग्रहरी लिख लेना। हाँ, आगे बढ़ेंगे। मेंस में एक टॉपिक है आपका, फर्स्ट पेपर में ही है, जल एवं आपदा प्रबंधन, वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसे कहां से कंप्लीट करें, तो ये भी देखिए, अगर आपके पास किसी भी कोचिंग के नोट्स है, बहुत छोटा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, वहां से ये कंप्लीट हो जाता है बहुत आसानी से, जल एवं आपदा प्रबंधन। फिर अगर आपको मनी है कि हमको किताब लेनी है, तो निर्माण आईएएस की आप किताब ले सकते हो, आपको मिल जाएगा ये टॉपिक, निर्माण आईएएस में आपको ये टॉपिक अच्छे से मिल जाएगा। बाकी अगर किताब नहीं लेनी है तो छोटा ही टॉपिक है ये, आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पर खूब सारे वीडियो पड़े हैं, वहां से भी देख सकते हो। बाकी रख सकते हो निर्माण आईएएस की किताब, यहाँ से ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और आएंगे भूगोल की आधुनिक तकनीक। भूगोल की आधुनिक तकनीक आपको फर्स्ट पेपर में ही शायद मिलेगा, फर्स्ट पेपर में मिलेगा, ज्योग्राफी वाले पोर्शन में मिल जाएगा। तो ये पोर्शन आपका, जब आप पढ़ोगे, जब आप ज्योग्राफी तैयार करोगे, जब आप टेक्नोलॉजी तैयार करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये पोर्शन आपको कहाँ से कंप्लीट करना है। तो देखिए, जो भूगोल की आधुनिक तकनीकी है, इसके कुछ टॉपिक आपको दृष्टि में मिल जाएंगे, कुछ टॉपिक आपको अग्रहरी में मिल जाएंगे, और कुछ टॉपिक आपको मिल जाएंगे जो आप ज्योग्राफी जब पढ़ोगे तो कुछ टॉपिक आपको वहां पर भी मिल जाएंगे, जैसे जीआईएस है, जीपीएस है, तो ये सब आपको टेक्नोलॉजी में मिल जाएगा। तो जब आप और सारे सब्जेक्ट्स तैयार कर रहे होगे तो आपका ऑटोमेटिकली भूगोल की आधुनिक तकनीक वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जो कुछ अगर बच जाता है तो गूगल कर सकते हो। फिर हम आते हैं राजनीतिक विचारकों में। राजनीतिक विचारकों में से कुछ विचारक पहले एथिक्स में दिए गए थे, लेकिन जब सिलेबस चेंज किया गया तो अब इन विचारकों को लाकर पॉलिटी वाले सेक्शन में रख दिया गया है। तो अगर आपको राजनीतिक विचारकों का, मतलब आपका मन है कि आपके पास एक पूरा का पूरा मटेरियल होना चाहिए एक साथ, तो निर्माण आईएएस ने अपनी किताब निकाली है राजनीतिक विचारकों की, काफी अच्छी किताब है, आप उसे ले सकते हो निर्माण आईएएस की। बाकी इसके अलावा अगर ऑप्शन की बात करें तो जिस तरह से टॉपिक दिया गया है, जैसे महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ना है, उनके बारे में आप पूरा विकिपीडिया या गूगल में या फिर कहीं पर भी जहां से आप पढ़ते हो, आप अलग अलग से नोट्स भी बना सकते हो। बाकी निर्माण आईएएस की किताब में आपको सारा कुछ एक साथ मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका अगला पोर्शन। फिर हम आगे बढ़ेंगे और अगले, अगर हम सब्जेक्ट की अगले पोर्शन की बात करेंगे, तो अगला पोर्शन है लोक प्रशासन। और लोक प्रशासन, ध्यान रखिएगा, केवल मेंस का, मेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है लोक प्रशासन, और ये जो टॉपिक है कहीं ना कहीं नया ही कह सकते हैं। तो लोक प्रशासन के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा लोक प्रशासन आपको नहीं पढ़ना है कि बिल्कुल आपको इसमें कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल या पीएचडी लेवल का पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है। और अगर इसके लिए मैं तो कहूंगी कि आप नोट्स बना लो, है ना, अगर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाए या फिर आपको गूगल में मिल जाए तो टॉपिक बाय टॉपिक आप नोट्स बना लो खुद के, या फिर अगर आपको किताब चाहिए कि किताब से ढूंढ के आप लिख लो या नोट्स बना लो अपने, तो एक किताब आती है बीएल फाड़िया लोक प्रशासन के लिए, बीएल फाड़िया, अच्छी किताब है, आप ले सकते हो और नोट्स भी अपने बना सकते हो। तो ये हो गई बीएल फाड़िया की किताब लोक प्रशासन के लिए। फिर आपको सेकंड पेपर में ही एक टॉपिक मिलेगा मानव संसाधन विकास, ये पुराना ही टॉपिक है, नया टॉपिक नहीं है, सेकंड पेपर में ही आपको ये मिलेगा। तो मानव संसाधन विकास आपको कहां से पढ़ना है, तो मानव संसाधन विकास के लिए आप एक किताब आती है, वैसे तो ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आती है, बट बहुत जल्दी शायद नए सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आने लग जाएगी, महावीर पब्लिकेशन की।
तो महावीर पब्लिकेशन से आपका ये पोर्शन तैयार हो जाएगा। बाकी इसके अलावा आजकल इंटरनेट के जमाने में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आप आसानी से नोट्स भी बना सकते हो। लेकिन मानव संसाधन विकास में आप ये महावीर पब्लिकेशन की किताबें ले सकते हो, जिसमें आपको हर कुछ मिल जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह से हमको ये टॉपिक तैयार करने हैं। तो ये हो गया मानव संसाधन विकास। फिर एक नया पोर्शन ऐड हुआ है मेंस में समाजशास्त्र का। समाजशास्त्र कहाँ से पढ़े, तो मैं तो आपको बोलूंगी कि समाजशास्त्र के लिए आप खुद के नोट्स बनाना। एज सच कोई किताब मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, है ना, क्योंकि फिर एक बर्डन सा हो जाता है कि ये भी किताब कंप्लीट करनी है, तो ये भी कम ही है, ज्यादा नहीं दिया हुआ है। तो जितने आपके पास टॉपिक है, अगर कहीं से नोट्स अरेंज हो जाए तो आप नोट्स ले लेना, या तो फिर आप गूगल या इंटरनेट के माध्यम से आप अगर नोट्स बना पाओ तो आप इसके नोट्स बना लेना। तो समाजशास्त्र के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप खुद के ही नोट्स तैयार कर लेना, किताब खरीदने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। फिर जब हम आएंगे थर्ड पेपर में, तो थर्ड पेपर में आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन्वायरमेंट के साथ साथ एक और पोर्शन मिलेगा, गणित का, मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स चूंकि पहले क्या था कि हम मैथमेटिक्स को स्किप कर देते थे कि चलो नहीं करते हैं, जो साइंस के क्वेश्चन आएंगे हम उन्हें कर लेंगे, लेकिन अब नहीं कर सकते क्योंकि हर यूनिट से उतने क्वेश्चन आने ही आने हैं और एक पूरी यूनिट में मैथमेटिक्स दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, कोई भी किताब उठानी है मैथ की, जैसे आर एस अग्रवाल चलती है, है ना, आर एस अग्रवाल चलती है, एस डी यादव चलती है मैथ्स के लिए। तो आपको टॉपिक देखना है कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है और उन टॉपिक्स को इन किताबों से बस आपको तैयार कर लेना है। और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है कम समय में आप सॉल्व कर पाओगे, समय भी कम लगता है जब आप क्वेश्चन लिखने बैठते हो आपके एग्जाम में, तो आपका समय भी कम लगता है। और समय के अलावा अगर आपने सही आंसर निकाला है, सही तरीके से मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आपको पूरे नंबर भी मिलते हैं। लेकिन अगर उसकी जगह आपने कोई जीएस का क्वेश्चन लिखा है तो आपको बहुत रेयर चांस है कि पूरे नंबर तो कभी नहीं मिलते, भले ही आधे नंबर कट जाए बट कट जरूर जाते हैं, बट मैथ्स के केस में ऐसा नहीं होता है। मैथ्स तैयार करोगे, आपका प्री में जो मैथ्स आती है वो भी आपकी तैयार हो जाएगी। फिर आता है हिंदी का पोर्शन। तो पहले पुराने सिलेबस में हिंदी के साथ साथ प्रारूप लेखन भी था, लेकिन अभी क्या है, हिंदी अब जनरल हिंदी हो गई है, जो भी हम जनरली ग्रामर और ये सब पढ़ते हैं, अलंकार रस पढ़ते हैं, है ना, तो बस इतनी ही चीजें आपकी हिंदी में पूछी जाएंगी। तो पहली चीज आपको क्या करना है, आपको हिंदी की जो लूसेंट आती है उसे करना है, सिलेबस देखना है, किसकी सिलेबस मतलब सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक लूसेंट में मिल रहे हैं, तो आपको वो जो टॉपिक है लूसेंट से तैयार कर लेना है। और जो टॉपिक नहीं मिलते हैं उसके लिए भी एक किताब रख लेना, और उस किताब का नाम है चंचल जैन। तो ये दोनों किताबें जरूर रखना, लूसेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी की अलग से लूसेंट आती है, हिंदी सब्जेक्ट की, हिंदी विषय की, और उसके अलावा चंचल जैन भी आपके पास होनी चाहिए ताकि जो भी पोर्शन लूसेंट में नहीं मिलता वो पोर्शन आपका चंचल जैन में आपको मिल जाए। तो ये हो गया आपका हिंदी का पोर्शन, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम बात करते हैं प्रारूप लेखन की। और मैंने आपको कई बार बता दिया कि प्रारूप लेखन पहले हिंदी वाले पेपर में इंक्लूडेड था, लेकिन अभी हिंदी के पेपर में इसे नहीं रखा गया है। तो प्रारूप लेखन के अंतर्गत बहुत सारे प्रारूप लिखने को आते हैं, शासकीय पत्र कैसे लिखा जाता है, अर्धशासकीय पत्र कैसे लिखा जाता है, विज्ञप्ति कैसे लिखी जाती है, तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। और सीखने के लिए आपको प्रारूप कहाँ मिलेगा, है ना, आपको दिशा निर्देश किस किताब से मिलेंगे, तो आप जो चंचल जैन खरीदोगे, वहां से आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे, सारे ही टॉपिक मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको समझ नहीं आता तो आप गूगल कर लो, या फिर यूट्यूब पर खूब सारे वीडियो हैं इससे रिलेटेड, तो आप वो भी देख सकते हो। तो प्रारूप लेखन वाला टॉपिक आपका इस तरह से तैयार हो जाएगा। फिर प्रारूप लेखन वाले ही पेपर में एक और चीज जुड़ी हुई है, निबंध लेखन, जो कि कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत स्कोरिंग है। स्कोरिंग के अलावा हमारा सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है निबंध लेखन। तो निबंध लेखन आना चाहिए। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि निबंध हम कहाँ से तैयार करेंगे, क्या याद करके निबंध लिखा जा सकता है, तो देखिए याद करके निबंध नहीं लिखा जा सकता। पहली चीज, अगर आपने पहले चार पेपर कंप्लीट किए हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका मानव संसाधन विकास, ये सारे अगर आपने टॉपिक याद कर रखे हैं, पढ़ रखे हैं, तैयार कर रखे
हैं तो निबंध वाले पोर्शन में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह की सिचुएशन में आपको किस तरह से लिखना है, मतलब कौन सा टॉपिक दिया हुआ है निबंध में और आपको किस तरह से लिखना है। फिर अगर आपको एक रूपरेखा चाहिए कि किस तरह से निबंध लिखा जाता है तो उसके लिए कई सारी किताबें आती हैं। उसके लिए एक किताब आती है परीक्षा मंथन, परीक्षा मंथन, उसमें पूरे लगभग 1000 से भी ज्यादा होंगे शायद निबंध लिखे हुए हैं। तो आप देखिए इतना समझ सकते हो कि निबंध को कैसे लिखा जाता है। तो पहले आपके पास एक रूल होना चाहिए कि भाई निबंध को कैसे लिखा जाए या कैसे लिखा जाता है, उसके बाद निबंध को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी निबंध लिखने के लिए आपका जो शब्द है, जो वर्ड है, वो आपके अंदर से आने चाहिए, है ना। आपकी खुद की मौलिकता होनी चाहिए, आपके निबंध में मौलिकता दिखनी चाहिए कि आप किस तरह से निबंध को लिख रहे हो। रटा रटा नहीं लिख सकते। और जब आप तैयारी करने बैठोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितनी चीजें रटोगे, नहीं रट सकते, कुछ भी नहीं रट सकते। फिर परीक्षा मंथन के अलावा भी अगर आपको कोई किताब चाहिए निबंध की तो निबंध मंजूषा करके किताब आती है, निबंध मंजूषा, इसमें भी निबंध बहुत सारे निबंध दिए गए हैं। तो इससे भी आप देखकर अनुमान लगा सकते हो कि निबंध किस तरह से लिखा जाए। तो यहाँ तक प्रारूप लेखन और निबंध लेखन तक हमने की, प्री और मेंस दोनों की बात। हालांकि निबंध प्रारूप लेखन प्री में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जो भी चीजें प्री में इंक्लूडेड है वो आपकी सारी तैयार हो गई, जो हमने पहले बुक लिस्ट बताई, चाहे फिर वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, वहां पर आपकी पूरी तैयार हो गई। अब प्री में कुछ ऐसे पोर्शन रखे गए हैं जो कि थोड़े से अलग है, आप मेंस में जनरली उन्हें नहीं पढ़ोगे। तो प्री में आपने सब कुछ पढ़ लिया, सिर्फ दो ऐसे टॉपिक बचे हुए हैं जो कि आप मेंस में नहीं पढ़ोगे, और वो है, एक तो है संवैधानिक संस्थाएं, जिसमें बहुत सारी संस्थाएं पूछी जाएंगी, और एक है समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स। हालांकि करंट अफेयर्स आपके मेंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्री के लिए थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें करंट अफेयर्स के आपके पास होनी चाहिए। तो संवैधानिक संस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो प्री का सिलेबस निकालना, संवैधानिक संस्था देखना लास्ट यूनिट में है प्री में। संवैधानिक संस्थाओं में से जो जो संस्थान आपके या जो जो संस्थाएं आपके एम लक्ष्मीकांत बुक में, पॉलिटी की बुक में मिल जाएं, उन्हें आप पॉलिटी से तैयार करना। जो भी संस्थाएं आपको पॉलिटी में मिले, लक्ष्मीकांत में मिले, उन्हें आप पॉलिटी से ही तैयार करना, लक्ष्मीकांत से ही तैयार करना। और जो संस्थान आपको अलग से मिलते हैं उनके लिए मार्केट में इतनी सारी बुक आ चुकी है, बहुत सारी बुक्स आ चुकी हैं, आप कोई भी एक बुक जाना जो आपको देखने में लगे कि हाँ इसमें आपका ये कवर हो जाएगा, आप कोई भी बुक उठा लेना। पुणेकर भी आ चुकी है, बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं। तो समझ आ गया, आपको संवैधानिक संस्थाएं ऐसे कंप्लीट करना है। फिर रही बात घटना सॉरी समसामयिक की यानी कि करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स एक दिन में या 10 दिन में नहीं तैयार होगा। हाँ 10 दिन में हो सकता है, लेकिन फिर वो भूसा वाला होगा। करंट अफेयर्स के लिए आपको हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। जब अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो, आपको अगले साल एग्जाम देना है या 21 या 22 जो भी आपको एग्जाम देना है, उसके लिए आपको हमेशा करंट अफेयर्स तैयार पहले से रखनी पड़ेगी। एक साथ हो तो जाती है, लेकिन बिल्कुल गोचपोच हो जाता है, भूसा बन जाता है। तो मेरी मानो अगर आप तो करंट जिस अगर आप तैयारी करने के मूड में हो तो आप हर महीने की करंट अफेयर्स कोई भी ले सकते हो। घटना चक्र मेरे मुंह से निकल ही गया था, मेरी फेवरेट है, काफी अच्छी है, आपको घटना चक्र से बहुत कुछ मिल जाएगा। तो घटना चक्र ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो क्रॉनिकल, मंथली आती है क्रॉनिकल, इसे भी ले सकते हो। प्रतियोगिता दर्पण और दृष्टि आईएएस की मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगी, दोनों बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उन दोनों को इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि एमपीपीएससी के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाती हैं वो। एमपीपीएससी के हिसाब से घटना चक्र और क्रॉनिकल बेस्ट रहेगी आपके लिए। हाँ, घटना चक्र अगर आप खरीदते हो तो वहां पर आपको एमपी का भी करंट अफेयर्स मिल जाएगा, क्रॉनिकल में नहीं मिलेगा, क्रॉनिकल में सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मिलेगा। तो घटना चक्र अगर अवेलेबल हो जाए तो हर महीने की खरीदो, खरीद के लाओ तो एक बार पढ़ लो, अगर मन हो तो पढ़ लो, नहीं मन है तो रखते रहो, एक साथ कलेक्ट करते रहो। जब नोटिफिकेशन आ जाए तो हर रोज, या ऐसा बना लो कि 3 दिन में हमें एक कंप्लीट करनी है, 3 दिन में हमें एक घटना चक्र या एक महीने की कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से आपका मंथली अगर आप लेते हो तो ये भी याद रहेगा कि पिछले 6 महीने पर सबसे ज्यादा जोर देना है, फिर या एक साल पर उससे थोड़ा सा कम देना है, ठीक है। तो ये भी इस तरह से आपको याद रहेगा, तो इस तरह से कंप्लीट करो।
कुछ लोग करते हैं ऐसा कि जैसे नोटिफिकेशन आया, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करंट अफेयर्स का कोई सोर्स नहीं है उनके पास, तो फिर वो वार्षिकी लेके आ जाते हैं। वार्षिकी होती वही चीजें हैं, बट कहीं ना कहीं अब आप सोचो कि आप 12 किताबें अलग अलग ले रहे हो, उसकी जगह पर अगर आपके पास 12 नहीं है तो आप एक किताब ले रहे हो, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा फर्क तो आएगा ना। आपको पहली चीज पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा कि इतने कम समय में इतनी मोटी किताब को हम कैसे पढ़ सकते हैं, है ना। तो खैर वो तो आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपको आता है समझ में तो आप वो भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हर रोज न्यूज़पेपर जरूर देखा करो, है ना। जो न्यूज़पेपर के जो मेन पोर्शन होते हैं, है ना, मेन जो पोर्शन होते हैं, मार काट लड़ाई झगड़ा ये नहीं देखना है, लेकिन जो मेन संपादकीय होता है, सामने जो पोर्शन होता है न्यूज़पेपर का, उसे देखा करो। भले ही नोट करो ना करो, नोट कर लिया करो संपादकीय वगैरह से। अगर कुछ आपको अच्छा लेख लगता है तो आप उस कुछ चीज़ों को निकाल कर नोट कर सकते हो, लिखने की क्षमता में विकास होगा आपके। तो इस तरह से आप अपना करंट अफेयर्स का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो। बाकी करंट अफेयर्स में आपका गेम्स भी पूछा जाएगा, तो गेम्स के लिए भी लड़के जो है वो गेम्स आसानी से कर लेते हैं, बट जो लड़कियां हैं, गर्ल्स को स्पेशल मैं वो करूंगी, रिकमेंड करूंगी कि गेम्स के लिए आप क्या करना है। जैसे क्रिकेट हो रहा है, तो क्रिकेट में मतलब मैं खुद ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ क्रिकेट में, तो मुझे खुद ऐसा करना पड़ता है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो जैसे क्रिकेट हो रहा है, कहीं वनडे हो रहा है या फिर T20 हो रहा है, तो भले ही ना देखो लेकिन जब मैच खत्म हो जाए जिस दिन, उस दिन जो भी देख रहा हो या फिर न्यूज में, आप ये देख लो कि कौन सी टीम जीती, मैन ऑफ द सीरीज या मैन ऑफ द मैच कौन सी टीम बनी, है ना, सॉरी कौन सा प्लेयर बना, है ना, कौन कौन से प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि कभी कभार पूछ लिया जाता है कि डैश 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 प्लेयर किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल हो रहा हो, फीफा हो रहा हो, ओलंपिक हो रहा हो, तो ऐसे करके नोट कर लीजिए। बाकी एट लास्ट आपको वो सारी चीजें एक साथ मिल ही जाती है, लेकिन याद नहीं हो पाती, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो ये हो गया सारा पोर्शन हमारा कंप्लीट। मैंने आपको सारी बुक्स बता दी है, सरल नहीं है लेकिन कठिन भी नहीं है, इंसानों के लिए ही बना हुआ है, तो इंसान मतलब आप इंसान हो तो आसानी से कर सकते हो, इंसानों के लिए सारी किताबें बनी है ना। तो कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आप लॉन्ग मतलब लंबे समय तक इसे पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद सबसे बड़ा टास्क होता है इसे याद रखना, और याद रखने के लिए बार बार चीजों को रिवाइज करना पड़ता है, तो समय लगेगा लेकिन मुश्किल नहीं है। बहुत ही ज्यादा आनंद आता है जब आपका पोर्शन कुछ भी कोई भी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, बड़ा आनंद आएगा और आगे पढ़ने मतलब आदत सी बन जाएगी और आपको पढ़ने का मन करते रहेगा लगातार। तो थैंक यू सो मच। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो रहा हो बुक्स को लेकर, तो कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। गुड लक।